तो मेरा एयरपोर्ट पे क्या क्या छीन गया था, वो मेरे को जानबूझकर कोई साफ सफाई में लगा देता है भाई। इस वीडियो में भाई, अगर यार मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके जाना यार, क्योंकि मेरा नया चैनल है, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर कुवैत में आते हैं तो क्या क्या ला सकते हैं। मैं क्या क्या लाया था, मेरा एयरपोर्ट पे क्या क्या छीन गया था। मैं लाया था तो बहुत कुछ, मगर एयरपोर्ट पे वहाँ पे मेरे मतलब निकाल लिया गया। वहाँ पे काम करने वाले जो होते हैं ना, वो जानबूझकर मेरे में मतलब निकाल लिए। तो मैं क्या क्या लाया था मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैं जब घर से आ रहा था तो मैं बहुत कुछ ला के रखा था, मतलब जैसे कि तेल, साबुन, शेविंग वाली मशीन, कपड़ा, बहुत सारी चीज लेकर आया था। और मैं कमला पसंद गुटखा भी लेकर आ रहा था। तो दोस्तों, रास्ते में मतलब वहां तक तो आ गया था, मतलब वहां से लखनऊ से तो आ गया था, मगर यहाँ पे जब एयरपोर्ट पे आया तो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं ना, वो लोग मेरे से मतलब वो लोग चेकिंग के दौरान पे वो पूछे फिर क्या है इसमें, तो गुटखा वो लोग ने निकाल लिया। मैं एक बैग, सिर्फ ये बैग को लेकर आया था, बाकी इसमें मैं कपड़ा वपड़ा लाया हूँ। ये एक कुर्ता पैजामा है, शर्ट है, पैंट है, ये पैंट शर्ट है। और इधर ये, अगर आप लोग आना ना तो ये चीज़ जल्दी ज़्यादा ज़्यादा लेके आना, मतलब ये चीज़ ज़्यादा लेके आना, जैसे चड्डी बनिए क्या है ना, यहाँ पे जल्दी 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 ख़राब हो जाता है, तो ये चीज़ लेके आना। बाकी कपड़े हैं, लेकिन मैं कपड़ा ज़्यादातर सिर्फ दो ही जोड़ा पहनता हूँ, मतलब दो ही जोड़ा पहनता हूँ, बाकी बैग में रखा हूँ। डेली डेली लगा देता है मतलब काम, इसके लिए तो मैं दो ही जोड़ी पहन के रखता हूँ, कि गंदा होगा तो यही दो गंदा होगा, इसके लिए मैं पहन के रखता हूँ। लाना, अगर ये चीज आ रहे हो ना तो ये चीज जरूर लाना भाई, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई वो नहीं रहता कि दुकान कहाँ पे है, कितनी दूर पे है, कोई पता नहीं है, तो ये चीज जरूर लेके आना है ना। और ये तो दवा है सिस्टोन, क्योंकि मेरे को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, बोले तो पथरी है, अब दर्द तो बहुत होता था, इसके लिए मैं दवा लेके आया। और हाँ, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, वो मेरा इंडिया वाला दवा ख़त्म हो गया था, पथरी वाला, तो मैं यहाँ से लिया था, कुवैत से लिया था। तो अभी इससे मतलब ये होता है ना कि मतलब जाएगा तो नहीं, बट दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि दर्द वर्द रोक लेता है। और ये भी ले आना अगर आपको ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यार कोई भरोसा नहीं है कि हम किस जगह पे आते हैं, कौन से लोकेशन पे आते हैं, कोई चीज़ का वो नहीं है ना, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर नहीं आते, तो ये भी लेके आना। और बाकी ये भी ले लेना, क्योंकि अब हम नए नए रहेंगे तो किससे मांगते फिरेंगे, ये चीज़ भी ज़रूरी है। और ये तो मैं बताया ही हूँ आपको, इसके साथ साथ में ये और ये साथ में काम कर सकता है, क्योंकि हम शेविंग करने के टाइम पे साबुन फेस में लगा कर इससे हम शेविंग कर सकते हैं, अपना काम चलते रहेगा, फिर बाद में देख लेना क्या है क्या नहीं है। और कुछ किताबें हैं तो किताबें मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आप लोग भी अगर शौकीन है तो ज़रूर पढ़िएगा, ये किताब पढ़िएगा, और ये उठो जागो ये भी पढ़िएगा, मज़ा आने वाला है इस किताब को पढ़ने के बाद में। और ये कि ये है, जीतना है तो जीत करो, ये कि ये है, और ये सफलता के 8 साधन, अगर आप लोग के पास टाइम रहे ना तो भाई किताब जरूर पढ़ा करो, क्योंकि किताब पढ़ने से यार कुछ मज़ा ही कुछ और आता है, मतलब मैं देखा ये चीज़ को। और ये भी पढ़ना ठीक है, द पावर ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड, इसमें भी मज़ा आता है। और ये बेबीलोन का सबसे बड़ा, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये भी मज़ा आता है इसको भी पढ़ने में। द मिरेकल मॉर्निंग, ये मेरे दोस्त ने दिया था मुझे, ये गिफ्ट दिया था, मतलब ये मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट दिया था मुझे, और जब से उसने दिया ना ये गिफ्ट, मेरा दोस्त दिया था, ये मेरे गांव का है, तो जब से ये गिफ्ट दिया ना, उसके बाद में मुझे एक नशा लग गया यार किताबों का, मतलब नशा लग गया किताब पढ़ने का, तो फिर मैं ये सारी किताबें मतलब लेके आया, और भी किताबें तो घर पे छोड़ के आया, और एक ये है, और यही सब चीजें हैं बस। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था ना कि अगर आप इंडिया से कुवैत में आते हैं तो प्लीज गुटखा ना लाएं, गुटखा बिल्कुल भी ना लाएं, तंबाकू ना लाएं, ये सब चीजें बिल्कुल भी ना लाएं। आप तेल तेल भी मतलब वो सर में लगाने वाला ला सकते हैं बस, हाँ मेडिसिन भी ला सकते हैं, दर्द बुखार का इमरजेंसी के लिए दवा ला सकते हैं, तेल, साबुन, दवा,
और कपड़ा और कुछ ऐसी चीज मत लाना जिससे नुकसान हो शरीर को, जिससे नुकसान होती हो तो रास्ते में भाई आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि मैं लेकर आया था गुटखा, तो भाई मुझे 1 घंटा तो सिर्फ उसी में लगा दिए ये लोग ने। मैं गुटखा को मतलब एक ही बंडल था मेरे पास, कमला पसंद था, तो मैं बहुत बड़ी गलती किया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं लेके जाना चाहिए, बट मैं लेके आ गया था। तो आप लोग भी अगर आ रहे तो ये चीजें ना लाएं। बहुत सारे दोस्त रहते हैं कि भाई मेरे लिए ले आना, ये ले आना, वो ले आना, बिल्कुल मत लाना भाई। गलती सब्सक्राइब करके जाना यार, क्योंकि मेरा नया चैनल है, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है।